गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है हार्टले ऑसिलेटर, जिसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। तो हार्टले ऑसिलेटर को करने से पहले आपको सबसे पहले ऑसिलेटर के बारे में पता होना चाहिए कि ऑसिलेटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डीसी यूनिडायरेक्शनल करंट को एसी वेवफॉर्म्स में, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स में कन्वर्ट करता है विदाउट एनी इनपुट सिग्नल और बाय या विद डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज। तो सर्किट डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर हम इसको बाय यूजिंग एनपीएन और कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ड्रॉ करेंगे। ये कैपेसिटर, R1, R2 रेजिस्टर्स, C1 कैपेसिटर, RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, की वोल्टेज, अगेन कपलिंग कैपेसिटर सीसी, टैंक सर्किट, इंडक्टर कॉइल कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट्स L1 एंड L2। दिस इज कैपेसिटर इन पैरेलल विद L1 एंड L2। RE CE connected with L1 and L2. Base of the emitter. This is collector, base and emitter. Output taken by this L-dash. So students, this is the circuit diagram and this is earthing, circuit diagram for the Hartley oscillator. इसके components को भी explain करूँगा और इसकी working भी, ये कैसे काम करती है।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने इसमें इसके अंदर एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर यूज किया है बाई NPN। अब NPN का आपको कैसे पता लगेगा, मैंने आपको ऑलरेडी भी सिंबल से बताया था कि एक लॉजिकली बताया था और आपको एक अनलॉजिकली मैंने आपको समझाया था कि जिस चीज के ऊपर एरो लगा होता है वो हमारा एमिटर होता है, और अगर यहां से NPN अगर हमने इसको दिखाना है कि ये कौन सा है NPN, तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो P की तरफ से N की तरफ को डायरेक्शन एरो जो लगेगा बाहर की तरफ को लगेगा, और अगर PNP है तो एरो जो है वो अंदर की तरफ को हमारे पास लगेगा, करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N की तरफ को करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने यहां पर NPN और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज की है, इसके साथ R1 और R2 लगाए, दीज आर द बायसिंग रजिस्टर्स R1 एंड R2। बायसिंग रजिस्टर एक RFC इसके अंदर यूज किया है, दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, मैं आपको बताता हूं। कपलिंग कैपेसिटर यूज किया है, एक एमिटर के साथ RE और कॉमन एमिटर कैपेसिटर यूज किया है, ये L1 L2 है। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स एक सिंगल कॉइल है जिसको हमने दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, L1 और L2 में, ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है, और इसके साथ एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा है, इसको हम टैंक सर्किट बोलते हैं। टैंक सर्किट ये हमारे पास NPN और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज की है। ये की है स्टूडेंट्स और ये पॉजिटिव VCC। हमारा ऑसिलेटर जो है वो क्या करता है, उसका काम है कि आपके यूनिडायरेक्शनल करंट को जो हमें DC से मिलेगा उसको AC वेवफॉर्म्स में, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स में कन्वर्ट करता है विद डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज विदाउट एनी इनपुट सिग्नल। तो आप देखेंगे इससे पहले हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े थे लास्ट सेमेस्टर में उसमें कुछ AC सिग्नल इनपुट सिग्नल होता था, पर इसके अंदर हमारे पास कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं है और फिर भी हम उससे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स AC वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हमें क्या देता है, हार्टले ऑसिलेटर कंटिन्यूसली रिपीटली AC साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स प्रोड्यूस करता है, वो भी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी के साथ। तो मैं इनके कंपोनेंट्स को और वर्किंग को एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स आपके साथ। जैसे ये सी कैपेसिटर्स लगे हैं, CC, दीज आर द कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर्स लगे हैं, L1 L2 ये कॉइल्स है जस्ट लाइक ए इंडक्टर, C शोज द कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये काम कैसे करता है। अब हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दी है स्टूडेंट्स, तो अब जैसे ही हम इस की को यहां से प्रेस करेंगे तो ये सर्किट में इस DC सोर्स से हमारे पास सप्लाई जो है वो ऑन हो जाएगी। तो ये सप्लाई होते हुए इस R1 रजिस्टर से इस बेस में जाएगी जो हमने ट्रांजिस्टर के बेस में, जब इसमें सप्लाई जाएगी तो ये एक्टिव रीजन में आ जाएगा और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो R1 और R2 हमारे रजिस्टर हैं, दीज आर द बायसिंग रजिस्टर्स, ये बायसिंग रजिस्टर्स हमें इस ट्रांजिस्टर के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये वोल्टेज की जो रेगुलेशन है वो गुड वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं। स्टेबिलिटी से मतलब है कि ये जो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो आपके एक्टिव रीजन में ही रहे। तो ये एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की तरफ भी काम करते हैं जो हमारे R1 और R2 हैं। फिर जब सप्लाई यहां पहुंची तो इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, ये एक्टिव रीजन में आ गया ये और ऑपरेट हो गया। तो यहां से कुछ हमारे पास सिग्नल आया जो इस
कैपेसिटर से होते हुए इस कपलिंग कैपेसिटर से होते हुए कलेक्टर के थ्रू इस कपलिंग कैपेसिटर से होते हुए इस टैंक सर्किट में चला गया। जब इस टैंक सर्किट में गया तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास कि इस कैपेसिटर ने चार्ज होना स्टार्ट कर दिया। जब ये चार्जिंग स्टार्ट कर दी तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव कैपेसिटर टू प्लेट्स होती हैं, तो एक साइड इसके नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव इसमें बन जाएगा। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा हमारा कैपेसिटर तो फिर ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा थ्रू L1 और L2, इन दोनों के थ्रू ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। जब ये इनके थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो फिर जब ये फुली चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होंगे तो थ्रू इस कैपेसिटर के होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव बन जाएगा और उसकी वजह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, ऑसिलेशंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तब वो कौन सी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, दीज आर द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तब हमें कौन सी ऑसिलेशंस मिलेंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो होती हैं वो उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुई पर वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस थी। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कैपेसिटर और इंडक्टर्स का स्टैंक सर्किट के अंदर इनका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिससे हीट लॉसेस हो गए थर्मल इफेक्ट की वजह से, तो ये ऑसिलेशन जो थी ये खत्म हो गई और हमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिले। ये RE और CE इस एमिटर के साथ कनेक्ट है। आपने सुना होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि ट्रांजिस्टर विदाउट RE और बाईपास RE। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस CE को कैपेसिटर एमिटर कैपेसिटर को यूज ना करूं तो जितनी भी यहां से सिग्नल आएगा वोल्टेज आएगी वो इस RE के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी वोल्टेज, और जो जितना सिग्नल बेस और एमिटर में जाना चाहिए जो इफेक्टिव सिग्नल होगा वो नहीं जा पाएगा। तो हम इसमें एक कॉमन एमिटर कैपेसिटर एमिटर यूज करते हैं, जो जितनी भी सिग्नल यहां से आएगा वो इसके अक्रॉस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, इसके यहां से होते हुए यहां पर ग्राउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है म्यू सी, तो डीसी सिग्नल के लिए आपको पता है कि कैपेसिटर का क्या काम है। कैपेसिटर ब्लॉक किसको ब्लॉक करता है, डीसी को, एंड अलाउ एसी, एसी को अलाउ करता है। तो डीसी सिग्नल्स के लिए क्या होगा कि अगर ये म्यू जीरो, डीसी सिग्नल के लिए म्यू जीरो होगा तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जीरो के लिए इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, और अगर एसी के लिए बड़ी सारी हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसकी कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगी तो उसके लिए ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये मिनिमम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये एसी को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। आरएफसी, जो हमारे पास आरएफसी है वो कैपेसिटर से अपोजिट काम करता है। आरएफसी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ये एक इंडक्टर कॉइल होती है और इसका फंक्शन क्या है, कैपेसिटर से अपोजिट है, इट मींस कि इट अलाउ डीसी एंड ब्लॉक एसी, क्योंकि इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो हमारे पास म्यू सी इसके अपोजिट होगा। तो ये क्या करेगा कि एसी के लिए इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और डीसी के लिए बहुत कम हो जाएगा, तो इस वजह से ये डीसी को अलाउ कर देता है और एसी को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर और आरएफसी कॉइल का अपोजिट फंक्शन है एक दूसरे से। तो फिर जब ये हमारे पास यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा तो हमारा पर्पज है जो हमारा सर्किट हमें देता है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हमें चाहिए उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि यहां से स्मॉल पार्ट इसका आउटपुट का यहां से लेके अगेन फीड कर देते हैं हम इस ट्रांजिस्टर के बेस में। आप देखेंगे कि इस L1 का एक पार्ट हमने इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है और इसका दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो यहां से आके इस कैपेसिटर के थ्रू एमिटर में कनेक्ट है। सेम वैसा ही इस L2 के साथ भी है, इसका जो एक पार्ट है हमारा यहां से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। एक तो कॉमनली इसका पार्ट है जो इसके साथ कनेक्ट है और इसका दूसरा पार्ट जो है
वो इस बेस में जाके यहाँ पर कनेक्ट है इसके थ्रू। तो आप देखेंगे कि अब इसका स्मॉल पॉट यहाँ से आउटपुट का हम उठाएंगे जो हम इस ट्रांजिस्टर के अंदर फीड करेंगे। अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटपुट इसके अंदर डालेंगे तो हमें क्या होगा कि ये हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा। सपोज करो कि हमारे पास सिग्नल कुछ इस तरह से था तो अब हमें ये कुछ ऐसे सिग्नल देगा, आउट ऑफ फेज हमें देगा। तो जब ये फिर यहाँ से इसको सिग्नल्स को भेजेगा थ्रू यहाँ से कलेक्टर, तो वो फिर से जाके यहाँ पर ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। अब ऑसिलेशन जाके यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमें देगा, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट इस L1 और L2 की वजह से जो आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन है दोनों के L1 और L2 के बीच में। तो 180 डिग्री फेज केम फ्रॉम दिस ट्रांजिस्टर, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमें यहां से मिलेगा प्लस 180 डिग्री फेज शिफ्ट केम फ्रॉम दिस टैंक सर्किट, तो दोनों मिला के 360 डिग्री फेज शिफ्ट हमें मिलेगा। तो जब 360 का मतलब है कि कोई फेज शिफ्ट नहीं है, मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट हमारे पास है। तो इसके साथ ये जो L डैश कपल इंडक्टर जो है वो इसके साथ कनेक्ट है, तो वहां से हम आउटपुट हमें मिल जाएगा यहां से। तो दिस इज द हार्टले ऑसिलेटर, और ये हार्टले ऑसिलेटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वाइडली सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, और इसको बहुत ज्यादा सर्किट्स के अंदर वाइडली इसको यूज करते हैं हार्टले ऑसिलेटर्स एज कंपेयर टू अदर ऑसिलेटर जस्ट लाइक कॉलपिट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, उनके कंपैरिजन में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है आउटपुट है वो आपको सबसे बेस्ट हाई एफिशिएंसी मिलती है। और जब 360 डिग्री फेज मिलेगा तो हमें यहां से डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेगी। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मतलब है कि टाइम के साथ जिन वेव शेप्स जो हमारी है, जो एम्पलीट्यूड है इन वेव्स का, वो एक बराबर रहता है। तो हमें इसी से मतलब है, हमें सर्किट को चलाने के लिए अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की जरूरत थी। वो हमें यहां से मिलेगी। तो अगर आप यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए म्यू इज इक्वल टू 1/2 pi अंडर रूट एल सी, वेयर एल बराबर है L1 प्लस L2 प्लस 2n। ये जो 2n मैंने लिखा क्योंकि ये जो L1 और L2 है ये आपस में म्यूचुअली कनेक्ट हैं, तो यहां पर प्लस 2m भी आपको करना पड़ेगा जिससे आपके पास L की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और अब उस डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज अगर हमने निकालनी हो तो वो इंडक्टर और इन कैपेसिटर्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट्स की बात हो गई। अब जैसे हमने लैब में प्रैक्टिकल को सॉल्व करना है तो हमने प्रैक्टिकल में क्या प्रूफ करना है, तो हमने यही प्रूफ करना है कि जो प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी है वो हमारी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर उसकी वैल्यू आनी चाहिए। जब हम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था CRO और फंक्शन जनरेटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, तो इंडक्टर और कैपेसिटर्स की वैल्यू जो होंगी वो हमें इन वेव फॉर्म्स में मिलेंगी। तो हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी की जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास बराबर आनी चाहिए। तो इसके बाद मैं आपके साथ प्रैक्टिकल का वीडियो शेयर करता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमने इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बस इसमें पूरा बना हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कनेक्शन करना है। क्या करना है? कनेक्शन करना है, ठीक है। तो वायर लेके आओ, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे VCC ऑलरेडी DVA इसके अंदर, ठीक है ना, ये आपके पास सप्लाई है ऑलरेडी इसके अंदर सेट है। अब आपको सिर्फ दो कनेक्शन करने, इसके अंदर अलग अलग जितने कॉम्बिनेशन का हार्टले ऑक्सीलेटर में होता क्या है, जैसे आप कॉलपिट ऑक्सीलेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, दो कैपेसिटर एक इंडक्टर होता है। हार्टले के अंदर क्या होता है, दो इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है जो आपके पास सर्किट में बना रहेगा। दो कैपेसिटर इस सर्किट को, पूरे को सर्किट को क्या बोलते हैं, बताओ, फीडबैक सर्किट। क्या बोलते हैं? फीडबैक सर्किट। ऑक्सीलेशन जनरेट करवाने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, भाई आपने क्या किया है कि यहाँ पे एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर बनाया, एम्पलीफायर को क्या वापस फीडबैक सर्किट ऐसा बनाया ताकि वो किसी तरह काम करे,
ऑक्सीडेटरी की काम कर, ऑक्सीडेटरी की तरह काम करे। तो ऑक्सीडेटरी काम करवाने के लिए क्या जरूरी है? पहली बात कि इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दूसरी बात दोनों का क्या होना चाहिए, फेज सेम होना चाहिए, तीसरी बात इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी सेम होती है, फेज सेम करवाने के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, वापस आउटपुट को इनपुट डालने के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। कौन सा लेते हैं? पॉजिटिव फीडबैक यूज लेते हैं ऑक्सीलेटर पे, ध्यान रखना। और वापस एम्पलीट्यूड सेम करवाने के लिए क्या लेते हैं, जितना भी आपके गेन का आपके पास क्या है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर है, उसी वापस उल्टे मतलब 1/a के फैक्टर का क्या लेंगे यहाँ पे फीडबैक सर्किट लेंगे। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/a, तो बीटा a इक्वल टू 1 या फिर बोल दे सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होती है, उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पूछेगा यहाँ पे। सबसे पहले अब सारा कनेक्शन क्या हुआ है, एक तो आपको आउटपुट का कनेक्शन करना और इनपुट के अंदर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं सी और एल का, वो आपको सबसे पहले मैं सी का ये कॉम्बिनेशन लेकर चलता हूँ, कितना 0.47 का। तो ये 0.47 यहाँ पे सी ऐड करना, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे इंडक्टर क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। वायर तो निकाल के दो, उधर से बैठे आराम से बैठे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी दोनों इंडक्टर लगेंगे वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि इन दोनों के रिजोनेंस के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पहले वाला इंडक्टर का ये हो गया पहले वाला इंडक्टर, ये हो गया सेकंड इंडक्टर, यहाँ पे आपने दोनों क्या किया 5 mH के क्या कर दिए, यहाँ पे इंडक्टर दोनों ऐड कर दिए। कैपेसिटर मैंने कौन सा किया 0.47 माइक्रोफैरड का, और इसने 5 mH क्या कर दिया, मैंने इंडक्टर ऐड कर दिए। तो ये मैंने फीडबैक सर्किट तो मैंने इसका कंप्लीट कर दिया, रेडी कर दिया। ठीक है, बाकी सारा सर्किट कंप्लीट है। अब आपको आउटपुट कहाँ पे लेना है, यहाँ पे। तो आपको अलग अलग टेबल बनानी है अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया हुआ यहाँ पे, कि कैपेसिटर का पहला कॉम्बिनेशन 0.47, पहले L1 L2 कितना 5 लिया, फिर 0.1 माइक्रोफैरड 5, ठीक है ना, फिर 0.57 10, ठीक है ना। अब कैसे भी कॉम्बिनेशन लेना आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या लेना, आउटपुट लेना, तो आउटपुट का पॉजिटिव ये रहा और नेगेटिव ये, और इसका कहीं पर भी लो, इसके ऊपर ले लो, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, अब देखो सी कॉम्बिनेशन, अब आपको फेस बनाना है, इसमें वापस वही वोल्टेज वाली क्या कर दो, चेंज कर सकते हो स्केल। ठीक है, इसके इसमें एसी लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, एक्स वाई पोजीशन है, और एक्स की एक्स के लिए कहाँ गई, एक्स पोजीशन, ये रही एक्स पोजीशन, इसकी सेट कर सकते हो इधर से उधर, इसको छोटा कर देते हो, और इसके टाइम पीरियड कहाँ गया, ये रहा टाइम पीरियड छोटा कर दो, ये टाइम पीरियड छोटा, इसको ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं आए, तो अभी तो हमारे ऐसा हाँ, तो वो तो आपको बटन सेट करने पड़ेंगे, वही है वापस वो इदर वो अलग टाइप का है, वो भी आपके पास क्या CRO है, ये भी CRO ही है, सारे बटन है उसमें अलग टाइप के दे रखे हैं, इसमें अलग हिसाब से दे रखे हैं, ठीक है ना, सारे बटन का काम वही को। ठीक है, बन गई ट्रेस, बनाया वी पीक टू पीक लिया, वो का वो कितना वोल्टेज उसकी कितनी पीक है, ठीक है ना, उसको उसकी स्केल से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम पीरियड ले लिया, ठीक है, और बस तो लिख लो एक इसके लिए बनाया, इसमें लिख लो सी कितना इसके लिए, और L1 L2 कितना है, ले लिया। फिर आप वापस क्या करोगे यहाँ से, अब ये एक कॉम्बिनेशन इसके दूसरे कॉम्बिनेशन इसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, यहाँ पे ये C2 C1 ये कर दिया, और बाकी वो का वो रखा, ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। इसको टाइम पीरियड थोड़ा स्केल कर छोटी कर देते हैं वोल्टेज की, ये बन गया, ठीक है, बन गया। वापस यहाँ से पीक टू पीक कितना है, जितना भी आ रहा है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी कितनी स्केल हो गई 0.2 वोल्ट, ठीक है, और टाइम पीरियड नोट कर लो यहाँ पे कितना आ रहा है, बस ये आपको नोट करना है, इसके लिए सी कितना है ले लो, और L1 L2 कितना ले लो। फिर वापस क्या करना है, अब ये किसके लिए हो गया, C1 और C2 ये एक कॉम्बिनेशन के लिए हो गया, अब आप क्या करोगे दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए, तो वापस C1 और C2 इधर, अब ये क्या करोगे इधर, और तो क्या कर दो इधर सेट कर दो, बस ये आ गया दूसरा कॉम्बिनेशन। वापस यहाँ से इसको थोड़ा अच्छा बना दो, दिखने में अच्छा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, बस इसका ले लो, तो बड़ा बनाना चाहो बड़ा बना, वोल्टेज ये लो, ठीक है, बना दिया, वापस लिखो, वापस C2 से कॉम्बिनेशन के लिए ले लो, ये बन गया, सो थोड़ा छोटा कर देते हैं, और छोटा कर दो स्केल, बढ़ा दो थोड़ी टाइम पीरियड की, बस हो गया, ठीक है, सबके लिए अलग अलग है, ध्यान रखना स्केल चेंज हो रही, ठीक है,
बस ये हो गया हार्टले ऑक्सीलेटर जो ऑक्सीलेशन जनरेट कर रहा है, ये ऑक्सीलेशन आ गई। अब उस ऑक्सीलेशन क्या करोगे, थोड़ी के लिए और छठ के लिए फ्रिक्वेंसी निकालोगे जो दोनों की आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। थोड़ी के लिए फॉर्मूला ये आपके पास है 1/2 √LC और प्रैक्टिकल के लिए आप क्या देखोगे वहाँ से फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड आएगा उसका 1/T कर देना क्या जाएगा फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अगर दोनों की इक्वल आ रही है तो आपका प्रैक्टिकल सही है, अदरवाइज ठीक है।